हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाने हैं फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है, छोटी सी वीडियो है, आप ज़रूर देखें और आपको सिलेक्शन अब ज़रूर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप जो है अच्छे से मेहनत करते रहें और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज करते हैं हम झज्जर ज़िले के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, टोटल हमारे 22 ज़िले हैं और 22 ज़िलों के सभी वीडियो मैं आपको 7 से 8 दिनों में प्रोवाइड करवा दूंगा। और काफ़ी कम क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, ज़िले वाइज कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हर ज़िले से होंगे, और इतने अगर आप कर लेंगे तो आपको करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगी, आप जो है अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवाऊँ तो आपको कितने भी करवा दूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाएंगे, वही मैं आपको करवा रहा हूँ। अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और इनके स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। भारतीय शैली की कुश्ती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं फ्रेंड्स, नफे सिंह राठी। भारतीय शैली की कुश्ती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नफे सिंह राठी, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, झज्जर ज़िले से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नफे सिंह राठी भारतीय शैली की कुश्ती के नए अध्यक्ष किस ज़िले से हैं, झज्जर ज़िले से हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली में शहीद हुए थे हरि सिंह की अस्थियाँ जो है भारत वापस लाई गई हैं, ये हरि सिंह जो है कहाँ से थे, ये भी झज्जर ज़िले से थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली में जो शहीद हुए उसकी अस्थियाँ जो है भारत वापस लाई गई हैं, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्नेहा वर्मा जो है मिसिज हरियाणा 2019 किस ज़िले से बिलोंग करती है, तो आंसर आएगा आपका झज्जर ज़िले से बिलोंग करती है। स्नेहा वर्मा झज्जर ज़िले से बिलोंग करती है। और अब की बार जो IIT दिल्ली की टॉपर रही है वो भी झज्जर ज़िले से ही है, कौन है बच्चों, प्रिया ने IIT दिल्ली टॉप किया है और झज्जर ज़िले से वो बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सक्षम हरियाणा के तहत हरियाणा का पहला सक्षम ज़िला कौन सा बना है, तो उसका आंसर भी आपका क्या आएगा, झज्जर हरियाणा का पहला सक्षम ज़िला बन गया है सक्षम हरियाणा स्कीम के तहत। तो फ्रेंड्स, आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, और ये आप अगर कर लेंगे ना तो आपका करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, सिर्फ 7 से 8 वीडियो में। कोई वीडियो 15 मिनट से ऊपर नहीं होगी और आपके जो है सभी के सभी कवर हो जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं जाऊँगा। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनु भाकर एक प्लेयर है, शूटिंग प्लेयर, जो वर्ल्ड कप 2019 में 4 गोल्ड जीत करके आई है फ्रेंड्स, 4 गोल्ड, और रियो ओलंपिक 2016 में भारत को 7वां ओलंपिक कोटा दिलाया इन्होंने, भारत को 7वां ओलंपिक कोटा दिलाने वाली मनु भाकर शूटिंग की प्लेयर कहां से बिलोंग करती है, झज्जर ज़िले से बिलोंग करती है, झज्जर ज़िले से। मनु भाकर शूटिंग की प्लेयर है, 4 गोल्ड लेकर के आई है वर्ल्ड कप के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानुषी चिल्लर जो है वो भी बहादुरगढ़ झज्जर से ही हैं, जो 2017 के अंदर मिस वर्ल्ड बनी थी, मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था मानुषी चिल्लर बहादुरगढ़ झज्जर से, और अभी इनको एनीमिया रोकथाम की ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया है। एनीमिया रोकथाम की ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए तो कौन है, झज्जर से मानुषी चिल्लर हैं। और हरियाणा का पहला डिजिटल गाँव बना है फ्रेंड्स, पहला डिजिटल गाँव कौन सा है, सांखोल गाँव, वे कहाँ पर पड़ता है, ये झज्जर में पड़ता है बच्चों, झज्जर में पहला डिजिटल गांव बना है सांखोल गांव हरियाणा का। हरियाणा का 3rd सैनिक स्कूल बनाया गया है, वो कौन सा होगा, झज्जर में घोषणा कर दी गई है कि झज्जर में 3rd सैनिक स्कूल बनाया जाएगा। 2 सैनिक स्कूल हमारे करनाल और रेवाड़ी में हैं, करनाल कुंज और रेवाड़ी में हैं। तो फ्रेंड्स, अब 3रा सैनिक स्कूल बनेगा झज्जर में, घोषणा कर दी गई है इस बात की, 3रे सैनिक स्कूल बनाने की। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा का 3rd सैनिक स्कूल कहाँ पर बनाया जाएगा, तो झज्जर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 किसने जीती है, पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 किसने जीती है, इसमें वेट उठाना होता है आपको, तो ये जीती है युवराज चिल्लर ने पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 जीती है। और ये किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये झज्जर ज़िले से बिलोंग करते हैं बच्चों, झज्जर ज़िले से। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से शुरुआत हुई थी, पानीपत से, 2015 को पानीपत से शुरुआत हुई थी। इसके तहत बेटियों की शिक्षा के दर में सबसे ज़्यादा वृद्धि के लिए झज्जर को पुरस्कृत किया गया है बच्चों। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सबसे ज़्यादा रेट जो है शिक्षा के मामले में जिन बेटियों की, वो झज्जर ज़िले से हैं, एकदम से बढ़ावा आया है, वृद्धि हुई है, तो झज्जर ज़िले को इस बात के लिए पुरस्कृत किया गया है। वहाँ के लोगों ने अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा संख्या में स्कूलों में भेजा है पढ़ने के लिए, और
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, कंचनजंगा देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पीओके के अंडर भी आती हो कोई दिक्कत नहीं है, तो केटू चोटी होती है। लेकिन केटू चोटी को भारत की चोटी इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि वो पीओके के अंडर आती है, तो इसलिए अगर ऑप्शन में हो केटू तो सबसे ऊंची चोटी वही हो जाएगी। अगर केटू ऑप्शन में ना हो तो आपको कंचनजंगा क्लिक कर करके आना है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है उस पर चढ़ने वाला पहला हरियाणवी बन गया है गौरव काद्यान। तो पहला हरियाणवी कौन है जो सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ा है भारत की कंचनजंगा पर, तो उसका आंसर आएगा गौरव काद्यान, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चों, झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला इस्कॉन टेंपल कहाँ पर बना है, इस्कॉन टेंपल कहाँ पर बना है, तो आपका आंसर आएगा बहादुरगढ़ झज्जर से, जहाँ से मानुषी चिल्लर है बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर हरियाणा का पहला इस्कॉन टेंपल बना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पशु प्रदर्शनी, एनिमल एग्जीबिशन होते हैं जैसे साइंस एग्जीबिशन होते हैं उसी तरह से एनिमल एग्जीबिशन पशु प्रदर्शनी के अंदर जो है कहाँ पर करवाई गई है, 36वीं करवाई गई है झज्जर के अंदर। ये पूछा जाएगा कि 36वीं पशु प्रदर्शनी एनिमल एग्जीबिशन कहां पर करवाया गया है, किस जिले में करवाया गया है, तो झज्जर जिले में करवाया गया है, हरियाणा के झज्जर जिले में 36वीं पशु प्रदर्शनी करवाई गई है। बजरंग पुनिया, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों कुश्ती के खिलाड़ी हैं। देखिए बजरंग पुनिया जो है वो खुड्डन गांव है झज्जर के अंदर, वहाँ से बिलोंग करते हैं और 65 किलोग्राम कुश्ती में खेलते हैं, ये 65 किलोग्राम कुश्ती में खेलते हैं। इनकी रिसेंट अचीवमेंट पूछी जाएगी, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लेकर के आए हैं बच्चों, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लेकर के आए हैं, और 2019 में ये रूस और चीन में गए और वहाँ पर जो है इन्होंने गोल्ड जीता है, रूस में भी गोल्ड जीता और चीन में भी गोल्ड जीता है। और US के अंदर अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा ग्राउंड है मेडिसन स्क्वेयर गार्डन ग्राउंड, उसमें खेलने वाले भारत के पहले रेसलर बन गए हैं कौन, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया मेडिसन स्क्वेयर गार्डन ग्राउंड US के अंदर है, वहाँ पर खेलने वाले भारत के पहले रेसलर बन गए हैं, सबसे बड़ा ग्राउंड है। ये पूछ ले जाए कि रेसलिंग का सबसे बड़ा ग्राउंड कहाँ पर है, तो मेडिसन स्क्वेयर गार्डन ग्राउंड US में है। और ये पूछा जा सकता है कि बजरंग पुनिया के गुरु कौन हैं, तो बजरंग पुनिया के गुरु जो हैं वो हैं योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त जो हैं बजरंग पुनिया के गुरु हैं। और न्यू कैंसर इंस्टीट्यूट खुला है बच्चों झज्जर के अंदर, न्यू कैंसर इंस्टीट्यूट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन जो है के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि न्यू कैंसर इंस्टीट्यूट खुलने वाला जिला कौन सा है, किस जगह पर न्यू कैंसर इंस्टीट्यूट सेंटर खुला है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, झज्जर जिले के अंदर। हम इसमें जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो झज्जर जिले से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स बस आपके बहुत कम क्वेश्चन रह गए हैं, आपके क्वेश्चन जो है झज्जर जिले से जितने भी करंट अफेयर के हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका करंट से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, और अगर आपको GK करनी है तो वो मैंने चैनल पर वीडियोज़ प्रोवाइड करवा रखी है, जिले वाइज आप जिस जिले की चाहें उस जिले की वीडियो देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी नहीं देना है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कर लेना, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लेना चाहो तो आपको जो है सभी के सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ोगे तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। एक जिले पर आप 5 मिनट दे सकते हो ना, सभी के पास है इतने मिनट तो, और 22 जिले के आप 5-5 मिनट दोगे तो 22 × 5 110 नंबर 110 मिनट हो जाती है। 110 मिनट में आप जो है 10 से 15 नंबर अपने सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि अब की बार हरियाणा जो भर्ती है इसके अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे बाहर नहीं आएगा, 99% यहां से आपका कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।